समाज को उल्टाओ, इसने क्या गलत किया है जो ऐसा जुल्म हो रहा है? समाज को सुधारा, गरीबों को मकान बना के दिया, अपने जो अपनी बहन बेटियों को जो गुंडे उठा के ले जाते वैश्यावर्दी करते थे, उस सबको आप इलाज करा के घर बसाया। इसे धन धन कहने के लायक हमारे गुरुजी है। और दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपको पब्लिक की सीधी बातचीत दिखा रहे हैं। हमारे साथ महेश इंसा जी हैं, जो पिछले 25 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। क्या है असली सच, इनसे जानते हैं। डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा का। महेश जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 25 सालों से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा में, कैसा माहौल लगता है सर आपको? माहौल जी, सबसे बेस्ट समाज जो है संत समाज ही है। और यहाँ का वातावरण या हर जगह की वातावरण संतों ने जो है बहुत मज़ेदार किया, बुराई से छुड़ाया, हर चीज़ छुड़ाया। और इसके ऊपर जुल्म क्यों हो रहा? संतों का क्या कसूर है जो उसके ऊपर जुल्म हो रहा? हर जगह वाणी में सब चीज़ लिखा, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, अगर संत ना आते जल जगत में, जल मरती संसार। अगर संत ने ही अंत से इस इतिहास को उल्टाया जाए तो संतों ने ही धरती को बचाया है। बाकी तो समाज में सरकार ने उल्टा फेरी इधर उधर, मतलब किसी को कुछ करना, ये सब तो कसर छोड़ा नहीं। पर देखो, जो पुराने इतिहास को उल्टाया जाए, पटना साहब में गुरु गोविंद से अपने बच्चों को बलि दे दिया, वो कभी बुरा सोच सकते? गुरु नानक देव जी संत से पिछले बड़े संतों को उठाए, उसको भी जेल में डाला गया। जो अच्छाई समाज में लाना चाहते उसके साथ ही जुल्म होता था। रामायण में रामचंद्र जी 12 साल के वनवास गए थे, क्यों? उन्होंने बुराई का नाश किया। और हमारे गुरु जी अभी कलयुग इस टाइम में जो आया, बताओ इतिहास को उल्टाओ, इसने क्या गलत किया है जो ऐसा जुल्म हो रहा है? समाज को सुधारा, गरीबों को मकान बना के दिया, अपने जो अपनी बहन बेटियों को जो गुंडे उठा के ले जाते वैश्यावर्दी करते थे, उस सबको आप इलाज करा के घर बसाया। इसे धन धन कहने के लायक हमारे गुरुजी है। और ऐसे गुरुजी को मतलब हिसाब से किसी कुछ न कुछ उलझा के जेल में डाला गया। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं इसको छोड़ दिया जाए और अच्छा समाज में बदलाव आए। ये हमारे जो है धरती सोना या अच्छा समाज में हमारे बहन बेटी की या सबकी अच्छा इज्जत हो। आज जो अगर संत ना रहेंगे, संत ना समझाएंगे, हमारे समाज में गुंडा बढ़ जाएंगे। गुंडा बढ़ जाएंगे तो हमारी बहन बेटियों को जो है सरेआम रोड पर से उठा के ले जाएंगे। कौन उसको शिक्षा देगा, कौन समझाएगा, कैसे चलेगा समाज? हम तो भाई मजदूर आदमी हैं, कमाते खाते हैं, हम बाल बच्चे पालते हैं। पर हम जो यहाँ से शिक्षा मिला है, सच्चा शिक्षा, वो देख रहा हूँ 100% सट। और जुल्म हो रहा है हमारे गुरुजी के। हम बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पर हम आके मेहनत भी करता हूँ और सत्संग भी सुनता हूँ, हर चीज़ का शिक्षा भी हम। सर, अब क्या प्रभाव पड़ा है 3-4 सालों से उनके सत्संग नहीं मिल रहे लोगों को? लगातार क्या प्रभाव पड़ा है लोगों के? कुछ नहीं फर्क, जो उसके नाम से जुड़े हैं वो पूरा जरूरत है। क्यों जरूरत है सर? जरूरत है, हमारे बुराई का आगे बढ़ रहा, नशा आगे बढ़ रहा, और उसको छुड़ाने की किसी को ताकत नहीं है। आएगा कोई तो संत ही आएगा, वही छुड़ाएगा, वही समाज में बदलाव लाएगा। सर, फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या ये लगता सब है? झूठा है, ये सब झूठा है, मानो या ना मानो। मानता हूँ हमारे समाज में दो भाइयों या समाज में किसी से लड़ाई झगड़ा हो, छोटा मोटा उदाहरण देता हूँ, कोई न कोई कहता भाई लूट कर लिया, बलात्कार कर लिया, ऐसे फंसा दो, ऐसे फंसा दो, किसी तरह दबा दो, वही जज हो रहा है। किसी का कारोबार नहीं चलता होगा तो इसमें संतों का क्या कसूर है भाई? संतों ने तो अपना शिक्षा देगा ही देगा, अपना मतलब समाज सुधारक वाला काम करेगा ही करेगा, इसमें इसका क्या कसूर है? इसको बेमतलब की रखा गया जेल में। सर, आप जो बोल रहे हैं अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? नहीं, किसी के कहने से बोल रहे हैं? ना, किसी के कहने से नहीं। हम जो यहाँ शिक्षा मिल रहा है, जो समाज में बदलाव हो रहा है, हम अपन जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो हकीकत है, वही सब बोल रहा हूँ। क्या अपील करना चाहोगे सर आप सरकार? हम तो यही करते हैं हमारे गुरुजी को छोड़ दिया जाए, हमारा समाज में अच्छा बदलाव आए, अच्छा सब चीज़ हो, इसका कोई संतों का कोई कसूर नहीं होता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समाज से नशा खत्म करने के लिए। समाज में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार समाज के लोग चीख चीख कर बता रहे हैं कि उनकी समाज में आना सख्त जरूरत है, उनके लिए सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, आखिर सच क्या है? आखिर क्यों आज भी हर वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े हैं? बिहार से ये लोग आज भी सिरसा में आ रहे हैं और
संत जी के बारे में बता रहे हैं कि सच्चे संत हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्टाई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे लेके जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।